हेलो दोस्तों, मैं शुभम नायक, एक प्रोफेशनल एक्टर बॉलीवुड अभिनय से। आप लोगों से मेरी मुलाकात बॉलीवुड अभिनय के लेवल 1 और लेवल 2 में हो चुकी थी। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि लेवल 3 शुरू होने वाला है, तो आइए जानते हैं क्या क्या सब हुआ लेवल 3 में। लेवल 3 वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि लेवल 3 में धमाका होने ही वाला है, और नो डाउट हुआ ही। जी हाँ, लेवल 3 वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डायरेक्टर्स एक्टर। एक डायरेक्टर्स एक्टर कौन होता है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और हर एक एक्टर को डायरेक्टर्स एक्टर क्यों बनना पड़ता है। ये सिनेमा है और एक एक्टर को अपनी डायरेक्टर की ही सुननी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। सपोज आप एक फिल्म कर रहे हैं और आपको एक कैरेक्टर मिला है, आप अपने मर्जी से वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिन रात मेहनत करके ना जाने कितने महीने कितने साल एक राइटर ने एक कैरेक्टर को बनाया। अब एक डायरेक्टर वो कैरेक्टर को कैसे देखता है, वो कैसे पोर्ट्रे करना चाहता है उस कैरेक्टर को लोगों के सामने, हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने मर्जी से वो कैरेक्टर को प्ले करेंगे, अपने मर्जी से कैमरा एंगल बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी हम एक्टिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। हमको डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैमरामैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग करना पड़ेगा। हमको जानना होगा कि डायरेक्टर क्या चाहता है, कैमरामैन क्या चाहता है, कैमरा एंगल्स क्या है, वाइड शॉट है, क्लोज शॉट है, मिड शॉट है, कौन से शॉट्स हैं, वो सब एक एक्टर को जानना बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बहुत मतलब न्यूज़ वगैरह में आते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग बंद होगी क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर के बीच में रिफ्ट हो गया। वो क्यों हुआ, वो ऐसा होता क्यों है ये रिफ्ट? जी हाँ दोस्तों, हमको ये बात भी बताई गई। जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि नर्व सर खुद एक फिल्म मेकर है, वो अलग अलग जॉनर के फिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने ये सब नॉलेजेस और आइडियाज हमको दिए कि एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच में रिफ्ट क्यों होता है और क्या सब करने से ये रिफ्ट नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिकली एक एक्टर और एक डायरेक्टर के बीच में रिफ्ट तभी होता है जब दोनों के बीच एक कैरेक्टर को लेके कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। अगर एक डायरेक्टर चाहता होगा कि ये एक्टर ऐसा कैरेक्टर प्ले करे, लेकिन एक वही एक्टर उस कैरेक्टर को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स तो हो गए हैं, रिफ्ट तो हो गए हैं। लेकिन अगर एक एक्टर अपने टैलेंट को और डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेगा और उन दोनों को कंबाइन कर लेगा, देन पिक्चर सुपरहिट, नो डाउट। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप के और अपने कैरेक्टर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मिटाया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी एक कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, तो आप पूरा समा जाइए उस कैरेक्टर में, पूरा समा जाइए। ये मत सोचिए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, कि आपने पिछले फिल्म में कितने कमाए थे, आपके पिछले फिल्म में आप हीरो थे, विलन थे, ब्लॉकबस्टर दिया, वो सब पीछे की बातें हैं। वो सब आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस, लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। जी हाँ, वैसे ही जो फिल्म गया वो गया, उस कैरेक्टर से आप बाहर आइए, तभी जाके आप नए कैरेक्टर को अपना पाएंगे, वरना नहीं होगा। एक डायरेक्टर यही तो चाहता है कि वो जो कैरेक्टर सोचता है और जिस एक्टर को सोचता है कि वो ये कैरेक्टर प्ले करेगा, उन दोनों में कुछ डिफरेंस होना नहीं चाहिए, दे शुड बी वन। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मेरा पिछला फिल्म में मैंने संजय सिंघानिया का रोल प्ले किया था, और इस फिल्म में मुझे शेनॉय कपूर का रोल प्ले करना है। तो अगर मैं सेट पे वही इमेज लेके आऊंगा कि मैं संजय सिंघानिया हूं, क्यों? क्योंकि मेरा वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ था, तो मैं कभी शेनॉय कपूर का रोल प्ले कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अब तक संजय सिंघानिया के रोल में ही हूं, मैं अभी तक उस कैरेक्टर में ही हूं। मुझे उस कैरेक्टर से बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके
तभी जाके एक डायरेक्टर खुश होगा। ये गया डायरेक्टर्स एक्ट। फिर हमको सर ने बताया कि कैसे हमको हमारे फेवरेट डायरेक्टर्स की तरफ अप्रोच करना चाहिए, कैसे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए रखने चाहिए, क्या कैसे उनको कॉन्टैक्ट करने चाहिए, कैसे हमें एक पता होना चाहिए कि अभी ये डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट मूवी क्या है, क्या होने वाला है, सब हमको पता रहना चाहिए। और ऑडिशंस, ऑडिशंस के बारे में भी सर ने हमको बताया कि ऑडिशंस हमें कैसे जाना चाहिए, शूटिंग के सेट पे हमें कैसे जाना चाहिए। ये सब लेवल थ्री वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लेवल वन एंड टू। आई माई सेल्फ एंजॉयड अ लॉट। बहुत कुछ ऐसे चीजें सीखने को मिली जो लेवल वन और टू में नहीं मिली थी, शायद इसीलिए ये लेवल थ्री था। सर को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने ये लेवल कंडक्ट किया था एंड इट वॉज कंप्लीटली वर्थ इट। मजा ही आ गया लेवल थ्री करके। अगर आप लोगों को लेवल वन और टू के बारे में कुछ आइडिया चाहिए तो बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब पेज पे मेरे ऑलरेडी दो वीडियोस हैं जिसमें मैंने लेवल वन और लेवल टू के बारे में भी बताया है, तो आप कुछ आइडियाज वहां से भी जाके गेन कर सकते हैं। तो यार दोस्तों, लेवल थ्री वॉज ऑल अबाउट दिस डायरेक्टर्स एक्ट और एक एक्टर को अपने डायरेक्टर की क्यों सुननी चाहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। एंड जो सभी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, सभी ये चीज ध्यान में रखें कि हमें अपना कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि एक मेन बात याद रखिएगा, डायरेक्टर जो है ना वो कुंभार है और हम मिट्टी। वो हमको जैसे बनाएंगे हमें वैसे ही बनना पड़ेगा, हम अपना मनमर्जी नहीं कर सकते वहां पे। वी हैव टू कंप्लीटली सरेंडर आवर सेल्फ टू द डायरेक्टर, तभी जाके बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और फिल्म सुपरहिट होगी, नो डाउट इन दैट। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, सो स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। थैंक यू।